पे हो रेक्टिफायर 110 वोल्ट या 220 वोल्ट प्राइमरी, सेकेंडरी 6 वोल्ट, एक डायोड जो सेकेंडरी के टर्मिनल से लगा हुआ है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट, आधी लहर, बक काम करने वाला सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर, पूरी लहर रेक्टिफायर, प्राइमरी 230 वोल्ट, कहीं कहीं 110 वोल्ट उपयोग में लाया जाता है, दो डायोड है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, बीच वाला पॉइंट जीरो या न्यूट्रल, डीसी आउटपुट नेगेटिव ही पॉजिटिव, दोनों डायोड के कैथोड एक जगह जोड़ के पॉजिटिव लिया है, दोनों के एनोड सेकेंडरी वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को दिया हुआ है। फुल वेव फोर डायोड पूरी लहर, देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, 110 वोल्ट या 230 वोल्ट प्राइमरी है, सेकेंडरी है 24 वोल्ट, 6 वोल्ट भी रह सकते हैं, 12 वोल्ट भी रह सकते हैं, चार डायोड है इस प्रकार कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव आउटपुट है, नेगेटिव आउटपुट है, बूस्ट रेक्टिफिकेशन 110 वोल्ट या 230 वोल्ट प्राइमरी है, या जैसे कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ESD में रहता है, 110 वोल्ट डीसी को ट्रांजिस्टर से पल्सेटिंग किया जाता है, और सेकेंडरी 11 kV सिंगल डायोड टीवी 20 जैसा रहता है, बढ़ाया हुआ दबाव बूस्ट टाइप। इसमें दो सेकेंडरी है, प्राइमरी वहीं 230 वोल्ट या 110 वोल्ट, दोनों को सेपरेट सेपरेट ठापे और रेक्टिफायर से रेक्टिफाई किया गया है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक जगह पे सेंटर टेप लिया है, दूसरे जगह पे दो वाइंडिंग की आउटपुट है, जिसको चार डायोड से पूरी लहर में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पर दो डायोड से फुल वेव किया गया है, ये आउट। फुल वेव रेक्टिफायर विथ फिल्टर, 110 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी प्राइमरी, 6 वोल्ट एसी सेकेंडरी, डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फिल्टर कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहीं कहीं उल्टा यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ लिखना ज़रूरी है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। दो फुल वेव रेक्टिफायर, एक सेंटर टेप और एक चार डायोड यूज़ करके 230 वोल्ट और 110 वोल्ट एसी, ये जैसे 12012 है या 24024 है या 606 है, दो डायोड, ये आउटपुट, ये कैपेसिटर आउटपुट यहाँ पे भी लिया, सेकंड आउटपुट इस जगह लिया है। इसमें तीन हाफ पेव रेक्टिफायर है, प्राइमरी 230 वोल्ट या 110 वोल्ट, पहला वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग, पहला डायोड, दूसरा डायोड, तीसरा डायोड, और ये फिल्टर सर्किट, तीन हाफ पेव रेक्टिफायर। एसी की साइन वेव इस प्रकार रहती है, हाफ पेव फिल्टर करने के बाद में इस प्रकार का आधी लहर रेक्टिफायर, पूरी लहर रेक्टिफायर में इस प्रकार वेव फॉर्म रहता है, एक ही प्रकार का हाफ वेव जीरो पॉइंट के ऊपर हाफ सर्कल के जैसा चलता है, स्क्वायर वेव वर्गाकार लहर, तिकोनी लहर, सातुर्थ आरी की जैसा दाते वाली लहर,